दक्षिण अफ्रीका के लिए महिला विश्व कप में खेलने वाली पूर्व क्रिकेटर एलिसा थुनिसन फौरी और उनके बच्चे की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। 25 साल की थुनिसन फौरी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। पुलिस ने बताया कि स्टील फाउंटेन में हुई एक भीषण दुर्घटना में एलिसा और उनकी बेटी चल बसी। एलिसा ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था। उन्होंने कटक में श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। घरेलू क्रिकेट में वो नॉर्थ वेस्टर्न ड्रैगन्स की तरफ से खेलती थी। एलिसा ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे। इन 4 मैचों में से एक T20 इंटरनेशनल मैच था तो 3 वनडे मैच थे। फौरी 2013 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम का हिस्सा थी। 3 वनडे मैचों में उन्होंने 2 विकेट लिए थे, वहीं 3 वनडे मैचों में वो सिर्फ 1 ही रन बना सकी थी। एलिसा की मौत पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ने भी ट्वीट कर एलिसा की मौत की पुष्टि की। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट ने अपने ट्वीट में कहा कि वो एलिसा और उनकी बेटी के यूं अचानक चले जाने से सदमे में हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कार्यकारी थबंग मोरो ने कहा, यह हम सभी के लिए एक विनाशकारी खबर है। एलिसा के परिवार की ओर से मैं उनके पति, उनके परिवार, दोस्तों और उनके सभी क्रिकेट सहयोगियों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मोरो ने कहा कि एलिसा ने उस समुदाय के लिए बहुत कुछ किया जिसमें वह रहती थी और एक राष्ट्र खिलाड़ी के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। एलिसा के क्रिकेट छोड़ने के पीछे भी एक खास वजह रही। उन्हें अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद मातृत्व अवकाश के कारण क्रिकेट छोड़ना पड़ा था।